मेरा मोहतम खलील अब्बास साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस बामकसद ब्याज़ों की तकसीम के प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम में शामिल हाजी यूसुफ इजाज बखार वाले साहब, हाफिज़ गुफरान अशरफी और दीगर मोसज मेहमाना, सूफ़ी साहब की याद में आज का ये प्रोग्राम इस रिवायत की गवाह बन रहा है जो गुज़िश्ता कई बरसों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बयाज़ों की तकसीम की रिवायत टूट रही थी। यकीनन इस अदारे ने बयाज़ों की तकसीम के इस प्रोग्राम को आसन रिवायत के साथ उसे ज़िंदा करने की कोशिश की है। मैं सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी और उनकी पूरी टीम, उनके रुकायकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रही बात सूफ़ी मिल्लत की, तो सूफ़ी मिल्लत की खिदमात दो पाँच मिनट में बयान नहीं की जा सकती। सूफ़ी मिल्लत की खिदमात का हर गोशा एक ज़खीम किताब लिए हुए है। आप किसी भी गोशे से सूफ़ी मिल्लत को जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे बढ़कर उन्हें कौम मिल्लत का हमदर्द बेपाही पाएंगे। मुफ्ती वालिद अली यार अलवी साहब ने बहुत तफसील से कहा है, खिदमात के अलग अलग शोबे होते हैं और इस अदारे ने सूफ़ी मिल्लत के नाम के साथ ब्याज़ों की तकसीम का ये जो प्रोग्राम रखा है, मैं मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ और इस उम्मीद का इज़हार करता हूँ कि ये सफ़र कहीं ना रुके, कहीं ना थमे, चलता रहे और जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े हम सब इसके माविन और मददगार रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।